Okay, guys, now tell me what is visible, white screen or PDF? White screen. White screen. Okay, fine. Okay, so topic you know, right? Yes. Yeah, measure of dispersion. So, see, तुमने 10th में किया होगा. एक मिनट, let me open this exercise. सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिस्टिक का पार्ट है, तो तुमने थोड़ा सा बेसिक स्टैटिस्टिक 9th-10th में करा होगा, राइट? मीन, मीडियन, मोड, सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो सब. सो सी, सबसे पहले मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है? तो तुमने अभी तीन चीजें पढ़ी हैं, दैट इज मीन, मोड एंड मीडियन. तो इनको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी मतलब, लेट मी स्विच दिस. या सो तुमने फर्स्ट चीज पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड एंड मीडियन. कोई बता सकता है मीन क्या होता है? एनीवन? मीन ऑफ समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. राइट. सो मीन हमारा क्या होता है कि हम एवरेज लेते हैं, जो भी हमें डेटा सेट दिया होता है, एवरेज ऑफ डेटा सेट, जो भी हमें वैल्यूज दी होती हैं, हम उनको सम करते हैं एंड देन डिवाइड करते हैं, राइट? सो एवरेज ऑफ डेटा सेट जो होता है वो हमारा मीन होता है. मोड क्या होता है? ओके, सी, सो मोड क्या होता है? मोस्ट कॉमन नंबर इन डेटा सेट, जो भी नंबर ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अपीयर होता है हमारे डेटा सेट में, उसको हम बोलते हैं मोड. ठीक है, सो मोस्ट कॉमन नंबर अपीयर इन डेटा सेट. एंड मीडियन क्या होता है? रिमेंबर और नॉट? मिडल ऑफ द सेट ऑफ नंबर. ठीक है, मिडल ऑफ सेट ऑफ नंबर्स. सो ये तीन चीजें तुमने पढ़ा होगा 9th and 10th में. ये क्या डिनोट करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि क्या सी? सपोज ये ग्राफ है, ठीक है. सो मीन, मोड, मीडियन क्या होता है कि ये तुम्हें पीक दिख रहा है, ये हाई कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब दिखाता है हमारा मीन, मोड एंड मीडियन. मेजर ऑफ डिस्पर्शन मतलब कि नाउ सी दिस विड्थ, ये दिख रहा है स्प्रेड कितना हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन. कि हम ये मेजर करेंगे कि ये अभी स्प्रेड कितना होता है. तो इसको मेजर करने के तीन तरीके हैं. फर्स्ट वन इज रेंज, सेकेंड वन इज वेरियंस, एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड डिविएशन. इतना समझा सबको? एवरीवन? बेसिक मीनिंग समझ आया कि हम रेंज, वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन से करते क्या है? अगर ये हमारा ग्राफ है तो हम चेक करते हैं कि हमारा ग्राफ कितना स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, तो ये मेजर करते हैं हम रेंज, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन से. तो आई विल शेयर नोट्स विद यू लेटर वन. सो अभी सबसे पहले आगे करते हैं. नाउ रेंज सबसे इजी है निकालना. रेंज कैसे निकालना है? सी, तुमको डेटा सेट दिया होगा. सो क्या करना है? सबसे पहले फाइंड आउट लार्जेस्ट वैल्यू, एल डिनोट करेगा हमारा लार्जेस्ट वैल्यू, एंड एस डिनोट करेगा हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू. सपोज कोई भी डेटा सेट दिया है, सो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? फाइंड आउट लार्जेस्ट वैल्यू, फाइंड आउट स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन रेंज क्या हो जाएगा? एल माइनस एस. फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10, 100, 101, 202. नाउ टेल मी लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू.
So largest L is equal to smallest one. So therefore range क्या हो जाएगा 2021 that is 201 समझा. It's very easy. So अभी exercise one कर लेते हैं, इसके साथ साथ ही complete हो जाएगा. Now PDF तो होगा ही तुम्हारे पास, right? Yes. Okay. Page number 180. Exercise 8.1. ये तुम मुझे orally भी बता सकते हो कि क्या आएगा. So see first one. Find range of the following data. So tell me largest value and smallest value. PDF है सबके पास, otherwise मैं फिर डेटा सेट लिखूंगी. अगर PDF सबके पास 45 minus 7. 45 minus 7, 38. Okay. So largest value 45, smallest value is 7. Minus करो, answer आ जाएगा. Next भी same ऐसा ही है. Same question number 3rd, 4th, 5th. Okay, just a minute. No, question number 3rd, 4th, 5th is frequency, no? Frequency diya hai. Okay, that is fine. Yeah, so baki sare question bhi kar loge aise hi. Same tumhe kya karna hai. Now forget about frequency jo bhi diya hai. Range mein tumhe frequency nahi dekhna hai, sirf score wagere dekhna hai. Lowest value, biggest value minus lowest value, itna hi karna hai. Theek hai? Now come to this variance part. Variance ka main formula hota hai. Where is my page? Just a minute. Okay. Variance. So variance हम denote करते हैं VAR of X, ठीक है. और तुम इसको same denote कर सकते हो by sigma square. So this is equal to summation of XI minus X bar whole square divided by n. अभी यहाँ पे I run होगा 1 से लेके n तक. Now अभी एक एक term समझो के आएगा. See XI मतलब कि क्या, suppose अगर मैंने data set दिया है तुमको, this is my x equal to x values लेंगे हम. ये मेरा data set है suppose 1 7 27 101, ठीक है. there are four values 1 7 27 and 101. so that means ये क्या हो जाएगा, I equal to कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 2 4 1 2 4. 1 2 3 4, that means x1 x2 x3 x4. see जितने वैल्यू होंगे ना उतना आई आएगा हमारा, बिकॉज उतने हम वेरिएबल लेंगे x1 x2 x3 x4. so x1 equal to consider 1 x2 equal to 7 x3 equal to 27 x4 equal to 101. is it fine, यहाँ तक ठीक है. I 1 2 4 कैसे आएगा. सी हमारे पास अभी डेटा सेट में वैल्यू कितने हैं, 1 2 3 4, राइट. हमें इसको नाम देना है तो हम क्या देंगे, x1 x2 x3 x4. नाउ सी I इसका सबस्क्रिप्ट है, बराबर. तो I कहाँ से कहाँ तक आया, 1 से लेके 4 तक ना. यस, समझ गए. ओके नाउ ओके ये वैल्यू हो गई x1, x2, x3, x4. तो ये सॉल्व हो गया. xi क्या होता है, सबको समेशन पता है कैसे सॉल्व करते हैं. समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n xi इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn. यस, बराबर. ये इसका मीनिंग होता है, ये हमने किया था. ओके नाउ ये सॉल्व हो गया. एक्स आई क्या होता है. नाउ एक्स बार कैसे फाइंड आउट करोगे, कॉम्प्लीमेंट. नो नो नो, एक्स बार मींस मीन.
हम मीन किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से. सो अब तुम्हें पता है कि मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तुमने टेंथ में किया हुआ था. ऐड करो सबको एंड डिवाइड बाय जितना भी नंबर होगा. Yes. ठीक है. सो 1 + 7 + 27 + 101 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 4. समझा? ओके. नाउ स्मॉल एन यहाँ पे क्या आएगा? 4. दैट वी नो. अभी सारे वैल्यू मिल गए तुम्हें? Yes. ठीक है. तो अभी कैलकुलेशन कैसे आएगा इसका? सी दिस इज इक्वल टू, सी समेशन कैसे सॉल्व करोगे? एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. I इक्वल टू 1. सो ये क्या हो जाएगा? x1 माइनस x बार होल स्क्वायर. अब तुम्हें ऐड करना है. सेकेंड सब्स्टिट्यूट I इक्वल टू 2. सो x2 माइनस x बार होल स्क्वायर प्लस सो एन अप टू xn माइनस x बार होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्मॉल n. समझा? ओके. तो फॉर्मूला एक्स एन ही लिख सकते हैं डायरेक्टली, मतलब मीन निकालने का और बाद में सब सब टर्म्स को माइनस कर डालने का उससे और डायरेक्ट ऐड करके लिख डालने का. तो माइनस करके डायरेक्ट मैम अभी एक्स वन है, एक्स वन माइनस एक्स बार पहले फाइंड करके डायरेक्ट अंदर डालने का उसको यहाँ पे. यस मैम, मतलब एक्स वन माइनस एक्स बार बाद में एक्स टू माइनस एक्स बार जो वैल्यू मिलेगा सबको प्लस करने का. सबको पहले स्क्वायर करना है. स्क्वायर करके बाद में प्लस करने का. या यस, सबसे पहले तुम्हें स्क्वायर करना है. सी मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें ये दो चीज में कंफ्यूज नहीं हो ना. जस्ट अ मिनट. ओके सी अभी मैं एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, इसको चेक करो. समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार. ओके ये एक टर्म है, सपोज इसको v1 दे दो. नेक्स्ट टर्म इज v2 इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. मुझे बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? v1 एंड v2 में प्लस करके स्क्वायर करने का और v2 में स्क्वायर का प्लस करने का. राइट. सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है. v1 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू, इसमें पहले समेशन ओपन होगा उसके बाद उसका होल स्क्वायर लेंगे हम. मीन्स x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार एंड सो एन अप टू xn माइनस x बार एंड देन इसके बाद हम इसका होल स्क्वायर करेंगे. ठीक है. बट इसमें क्या हो रहा है? x1 माइनस x बार होल स्क्वायर. पहले ये क्वांटिटी तुम्हें कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो फाइंड आउट x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार, ये सब फाइंड आउट करके फिर उसको स्क्वायर करो देन ऐड करो. समझ गए? इतना ठीक है? यस. ओके. तो अभी कुछ लिख लेते हैं स्टार्टिंग से, वरना फिर रह जाएगा, उसके बाद फिर आगे करते हैं. ठीक है. सो स्टार्ट करो. राइट डाउन, पहले हेडिंग डालो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. तीन पार्ट्स में डिवाइड करो. आई विल टेल यू हाउ. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करो. दैट इज मीन, देन मोड, मीडियन. ओके. नाउ अब इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखो इसका स्मॉल में. मीन इज
average of data set. Mode is most common. Number in data set. Median is middle of the middle term of the data set. हो गया इतना. इसके बाद नेक्स्ट लिखो मेजर ऑफ डिस्पर्शन. मेजर ऑफ डिस्पर्शन इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करो. रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन. इसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं बाय एसटी. ठीक है. नेक्स्ट नीचे लिखो फर्स्ट रेंज डिनोट एल एज लार्जेस्ट वैल्यू. लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा सेट. Next, S, smallest value of data set. Range equal to L minus S. Okay, now इसके बाद homework है exercise 8.1. लिख लिया यहाँ तक एवरीवन? यस यस. ओके फाइन. इस वेरिएंस एक बार बता ना. हाँ अभी आ रहे हैं उस पे ही आ रहे हैं. ओके नेक्स्ट हेडिंग डालो सेकेंड. Variance. Okay. Now variance हम denote किससे करते हैं? Notation. VAR of x या फिर sigma square. See हम इसको read करते हैं sigma. ठीक है. Variance होता है हमारा sigma square. Now variance of x is equal to summation I equal to 1 to n small xi minus x bar whole square divided by n. ठीक है. So here xi denote तुमको जो data set का value दिया रहेगा वो values आएंगे तुम्हारे in form of xi. So तुमको लेना किस form में है? x1, x2, x3, so n up to xn. इसके values होंगे. उसको माइनस करना है तुम्हें मीन से. ठीक है. हर एक वैल्यू को मीन से माइनस करो. जो भी तुमको वैल्यूज मिलेगा उसको स्क्वायर करके ऐड करो एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. जाएगा वेरिएंस. ठीक है. और वेरिएंस डिनोट क्या करता है कि तुम्हारा जो ग्राफ है वो कितना स्प्रेड हो रहा है. ठीक है. वही मेजर करते हैं हम वेरिएंस से. नाउ अभी ये एक फॉर्मूला है तुम्हारा. इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को.
वो कैसे करेंगे अभी डेरिवेशन करते हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू सी, ये वन बाय एन ऐसे ही रहने दो. नाउ समेशन आई इक्वल टू वन टू एन, ये होल स्क्वायर सॉल्व करो. ये दिख रहा है दिस टर्म? व्हाट हैपेंड? ओके, कैन यू सी दिस टर्म? यस. यहाँ पे अब तुम्हें अप्लाई करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. सो फॉर्मूला यूज करो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आई स्क्वायर माइनस टू एक्स आई इन टू एक्स बार प्लस एक्स बार स्क्वायर. ये समझा? बट ये सारे टर्म तुम्हारे जो हैं वो समेशन के अंदर हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन. अब क्या करना है, सब में समेशन सेपरेट करो. सबको प्रॉपर्टीज याद है? एंड शो यू हियर इफ यू नॉट रिमेम्बर. समेशन ऑफ सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. आई इक्वल टू वन टू एन फोर आई प्लस फाइव. ओके, टेल मी इसको कैसे सॉल्व करोगे? समेशन ऑफ फोर आई प्लस समेशन ऑफ फाइव. राइट, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे समेशन सेपरेट करेंगे. सो समेशन आई इक्वल टू वन टू एन फोर आई प्लस समेशन आई इक्वल टू वन टू एन फाइव. ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कॉन्स्टेंट टर्म और आई अगर मल्टीप्लीकेशन में, तो हम फोर जो है जो कॉन्स्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं समेशन के. तो ये आ जाएगा फोर समेशन आई इक्वल टू वन टू एन आई प्लस समेशन आई इक्वल टू वन टू एन. सबको याद आया अलजेब्रा कैसे सॉल्व करते हैं समेशन के लिए? एवरीवन? यस. सो अभी तुम्हें सेम ये वाला जो ब्रैकेट मैंने ओपन करा है वो तुम्हें सॉल्व करना है. सो समेशन सेपरेट करो. समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन टू एक्स आई एक्स बार आई इक्वल टू वन टू एन प्लस समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एक्स बार स्क्वायर. यहां तक ठीक है? नाउ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई स्क्वायर माइनस. अब देखो एक्स बार जो है ये आई पे डिपेंडेंट है क्या? No, right? ये हमारा सिंपली एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है. तुम कैलकुलेट कैसे करोगे, सारे टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो दिस x बार इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट नंबर, राइट? एंड 2 इज कॉन्स्टेंट. सिर्फ x है तुम्हारा i पे डिपेंडेंट है, तो 2x बार जो है ये बाहर आ जाएगा. समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi प्लस. नाउ सी एक्स बार होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. मीन का स्क्वायर करना है बस, तो ये भी बाहर आ जाएगा. एक्स बार स्क्वायर समेशन आई इक्वल टू वन टू एन वन. इधर तक समझा सबको? यस. अभी आगे करते हैं. नाउ अभी सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले एन को अंदर मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस टू एक्स बार समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन प्लस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन समेशन आई इक्वल टू वन टू एन वन. सी ये जो टर्म मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे समेशन आई इक्वल टू वन टू एन वन, इसको तुम्हें गायब नहीं कर देना है. बिकॉज जब तुम इसको ऐड करोगे वन को एन टाइम्स तब तुम्हें एन मिलेगा. कैंसिल हो जाएगा. सो या डोंट फॉरगेट टू राइट दिस.
अभी वन बाय वन सॉल्व करते हैं. नाउ सी, तुम इसका वैल्यू बता सकते हो मुझे? एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सो एन अप टू एक्स एन डिवाइडेड बाय एन, ये क्या होता है? X bar, right? Because see, yes. X1, X2, XN ये हमारा डेटा सेट है. हमने ऐड किया है सारे वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो ये हो गया हमारा मीन, करेक्ट. अब इसको समेशन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? समेशन I इक्वल टू 1 टू N XI डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू X bar. क्या ये दोनों सेम है? Yes. Right. अब यहाँ पे आओ, सी ये टर्म दिख रहा है, क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स बार से? Yes. Right. Okay. So next step. This is equal to summation I equal to 1 to n x square divided by n minus 2 x bar into x bar plus x bar square divided by n multiply by n. तो सी ये एन एन कैंसल हो गया. नाउ एक्स बार इंटू एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा, राइट? सो दिस इज इक्वल टू, ये टर्म सेम आएगा, माइनस टू एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर. ठीक है, आप कोई फाइनल एक्सप्रेशन बता सकते हैं मुझे? So finally, variance of x is equal to n x I square upon n minus x bar square. Minus x bar square. अब देखो, ये जो summation है, ये सिर्फ इस term के लिए है, ठीक है? समझे? ये summation जो है, ये सिर्फ x I के लिए है. ये whole summation नहीं लगेगा. तो ये फॉर्मूला तुम कैसे यूज करोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे? सो सपोज तुम्हारे पास डेटा सेट है x1, x2, x3. तो अब सबसे पहले फाइंड आउट द स्क्वायर वैल्यू. सो x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर एंड x3 स्क्वायर. ये जो स्क्वायर वैल्यू तुमने फाइंड आउट किया है, इन सबको ऐड करो तो ये वैल्यू तुम्हें मिलेगा समेशन. इसको डिवाइड करो n से तो फर्स्ट टर्म मिलेगा. अब सेकेंड टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? फाइंड आउट मीन स्क्वायर करो एंड दोनों टर्म्स को माइनस करो. समझा कैलकुलेशन कैसे करोगे? टेल यू वंस अगेन, दो फॉर्मूला है हमारे पास, दोनों में से तुम्हें जो यूज करना है कर सकते हो. वन इज वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ठीक है, इसको यूज कैसे करना है? x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, ये सारे वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है, देन डिवाइड बाय n करना है. नेक्स्ट फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं? दिस इज इक्वल टू 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर, ये एक टर्म है तुम्हारा, माइनस एक्स बार स्क्वायर. सो अब यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट एक्स आई स्क्वायर, सम करो, डिवाइड बाय एन करो, उस देन उसमें से तुम्हें मीन स्क्वायर माइनस करना है. समझा? इज इट क्लियर? यस. ओके, तो लिख लो, कहाँ तक लिखा है तुमने? डेरिवेशन पार्ट बाकी है, राइट? यस यस.
हो जाए तो बताना। हो गया डन एवरीवन, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इजी होता है। वंस यू फाइंड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट positive square root of variance. This is equal to positive square root of variance. So variance find out करो, then उसका root ले लो, वही होगा तुम्हारा standard deviation. Denote करते हैं हम इसको sigma से, ठीक है? See, तो अब तक जो भी हमने formula देखा है वो हमने एक plain data के लिए देखा है. For example means क्या, suppose 101, 97, 81, 7, 11. ओके, ये मैंने एक तुमको डेटा सेट दिया, राइट? इसमें अभी कितने वैल्यूज हैं? पांच वैल्यू, दैट इज x1, x2, x3, x4 एंड x5. नाउ सारे वैल्यूज जो है सिंगल टाइम अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे, राइट? मैंने किसी भी नंबर को रिपीट नहीं किया. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा प्लेन डेटा. तुम इसमें डायरेक्टली मैंने जो अभी फॉर्मूला बताया है वो अप्लाई करके वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, बट अगर डेटा सेट में फ्रीक्वेंसी मेंशन की है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि क्या होता है, सपोज अभी इसको मैंने और अगर बढ़ा दिया 81, 81, 101, 77, 97. ओके, सो अब तुम्हें क्या करना है, अब ये वैल्यू तुम्हें ऐसे नहीं लेना है x6, x7, x8. नो, ये टर्म वापस. Why? Because, see, 81 जो है वो वापस रिपीट हो रहा है, राइट? जिसको हम ऑलरेडी x3 कंसिडर कर चुके हैं. 101 रिपीट हो रहा है विच इज नथिंग बट x1. 7 रिपीट हो रहा है विच इज नथिंग बट x4. सो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे एक और कॉलम आएगा फ्रीक्वेंसी का, कि हाउ मेनी टाइम्स द नंबर अपीयर्ड इन डेटा सेट. सो f1, f2, f3, f4, f5, ये क्या डिनोट करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नंबर एंड सो एन अप टू. ठीक है, सो यहाँ पे अभी f1 क्या आएगा, टू, राइट? 101 दो बार आ रहा है.
एफ टू क्या आएगा? टू। एफ थ्री? थ्री। एफ फोर? थ्री। एंड एफ फाइव? वन। राइट, ओके। नाउ सी, अब तुम्हारे टेबल में दो वैल्यू है, फर्स्ट वन वैल्यू ऑफ योर एक्स एंड नेक्स्ट वन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब तुम जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, सो उस केस में हम वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई, जो कि फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा, इनटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। समझा एडिशनल टर्म क्या आएगा? अगर प्लेन हमें डेटा दिया है बिना रिपीटेशन के साथ, मींस फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तब उस वक्त सिर्फ फॉर्मूला आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। बट अगर फ्रीक्वेंसी भी मेंशन किया हुआ है तो एफ आई तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेम इसका भी नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा वन अपॉन कैपिटल एन, आई टेल यू व्हाट इज कैपिटल एन, समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई एक्स आई, ओके, माइनस एक्स बार स्क्वायर, वेयर कैपिटल एन इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई, ओके, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई एक्स आई। इज इट क्लियर? ओके, सी एफ आई इज नथिंग बट, ये फॉर्मूला तुम कभी यूज करोगे? जब सपोज ये डेटा सेट है एक्स एक्स वन एक्स टू एंड सो इन अप टू एक्स एन, एंड नेक्स्ट उसकी फ्रीक्वेंसी भी मेंशन की हो एफ वन एफ टू एंड सो इन अप टू एफ एन। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या कि एक्स वन कितने बार रिपीट हो रहा है, एक्स टू कितने बार रिपीट हो रहा है, लाइक दैट, ठीक है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या आएगा? एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, फाइन। और तुम इसके जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो वन अपॉन कैपिटल एन समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, वेयर कैपिटल एन इज समेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स बार इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ओके। सो फॉर अ टाइम बींग तुम ये फॉर्मूला नोट कर लो, अभी इसके आगे हम जब एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे देन इट विल बी क्रिस्टल क्लियर कि कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। सो हेडिंग डालो सबसे पहले, फॉर्मूला लिखने से पहले हेडिंग डालो, वेरियंस फॉर, वेरियंस फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन स्टार्ट करो लिखना, लेट एक्स वन एक्स टू एक्स एन, लेट एक्स वन एक्स टू सो इन अप टू एक्स एन बी वैल्यूज ऑफ एक्स with frequencies f1, f2 and so on up to fn respectively. Then variance of x is equal to sigma square equal to 1 upon n summation I equal to 1 to n fi xi minus x bar whole square, or this is equal to
1 upon capital N summation I equal to 1 to N. See, यहाँ पे small n तक जाएगा, but हम divide capital N से करेंगे, ठीक है? Fi xi square minus x bar whole square, where x bar is equal to summation Fi xi divided by capital N. एक मिनट, मैंने ऊपर सी यहाँ पे डिवाइडेड बाय कैपिटल एन भी आएगा, आई फॉरगॉट. ओके, सो एक्स बार हो गया, नो एन, एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई. इज इट क्लियर? एंड इस केस में फिर स्टैंडर्ड डिविएशन भी से पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस. यहां तक कंप्लीट कर लो, देन फिर एक सम करते हैं. मिस, हम वो समीशन वाला पार्ट नहीं समझा. कौन सा समीशन? कैसे सॉल्व करते हैं ये, कैसे सॉल्व करना है? यस. ओके, सी अभी लिख लो, देन जब मैं अभी एग्जांपल सॉल्व करूंगी ना, तब टर्म बाय टर्म बताऊंगी, ठीक है? ओके मैम. ओके, तो सॉल्व करते हैं अभी एक्सरसाइज. बोलो. स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन वापस से बोलना, वॉइस ब्रेक हो गया. स्टैंडर्ड डेविएशन वापस से रिपीट करो. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. जब तुम वेरिएंस कैलकुलेट कर लोगे ना, तो उसका रूट ले लो, स्क्वायर रूट, ठीक है? तो तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा. अभी सम करते हैं, तब समझ आएगा. सी, कम टू दिस पेज नंबर 184, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हैं उसका डायरेक्टली. सो सी, तुमको डेटा सेट दिख रहा है, फर्स्ट वन 7, 11, 2, 4, 9, 6, 3, 7, 11, 2, 5, 8, 3, 6, 8, 8, 2, 6, मिला सबको? नाउ सी, वैल्यूज हमारे रिपीट हो रहे हैं, लाइक 7 वापस से रिपीट हुआ है, 11 रिपीट हो रहा है, राइट? 8 भी रिपीट हो रहा है, करेक्ट? सो अभी यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ एक कॉलम नहीं आएगा x का, एक और आएगा फ्रीक्वेंसी का, f1 f2 एंड सो इन अप टू fn. इतना आइडेंटिफाई कर लिया तुमने पहले ये बताओ. Yes. Okay. Now see. First one. So xi values दिया है तुम्हें 7, 11, 2, 4, 9, 6, 3, 5, 8, is it? Check yeah. करो, इसके अलावा कोई नंबर है? No, right? अब क्या करना है, अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, दैट मीन्स ये कितने बार रिपीट हुआ है वो तुम्हें लिखना है. नाउ टेल मी, 7 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स. 11 2, 3, ओके, 4, 1, 9, 1, 6, 3, हाँ, जस्ट अ मिनट, चार्ज खत्म हो गया, मम्मी जरा बटन.
लेट्स कंटिन्यू. सिक्स थ्री टाइम्स थ्री ट्वाइस फाइव सिंगल एंड एट थ्री. ओके यहां तक हो गया. नाउ अभी फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे जो अभी मैंने रिसेंटली बताया. लेट मी शो यू हियर. ओके अभी डेटा सेट देख के बताओ स्मॉल एन क्या आएगा. नाइन करेक्ट. अब स्मॉल एन कैसे कैलकुलेट करना है. दिस इज नथिंग बट आई. तुम्हारा लास्ट में आई क्या आएगा. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. ओके मतलब कि ये वैल्यू तुम्हें सिर्फ काउंट करना है कि ये कितने वैल्यू हैं, कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं. सो वन टू नाइन. सो देयर फोर हियर स्मॉल एन इज नथिंग बट नाइन. करेक्ट. ओके नाउ अभी फॉर्मूला देखो. कैपिटल एन क्या था. समेशन ऑफ एफ आई. तो एफ आई का कॉलम है हमारे पास. तुम डायरेक्टली इसी के नीचे समेशन कैलकुलेट करो. सो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू सब वैल्यू एड करो. टू टू थ्री वन वन थ्री टू वन थ्री इन सबको एड करो और मुझे वैल्यू बताओ कितना. 20, है 18. मिला सबको. ओके सी इतना पार्ट हमारा हो गया कि जो जो भी हमें मटेरियल चाहिए था हमने कलेक्ट कर लिया. दैट इज एक्स आई एफ आई स्मॉल एन कैपिटल एन. इतना होने के बाद तुम अपने बेसिक कैलकुलेशन पे जाओ. ठीक है नाउ अभी फॉर्मूला देखो वापस. ओके नाउ यू हैव कैपिटल एन राइट. दिस यू हैव स्मॉल एन. नाउ अभी क्या करना है तुम्हें ये टर्म फाइंड आउट करना है. नाउ दिस टर्म इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर. दैट मीन्स पहले तुम्हें एक्स आई स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड उसका समेशन फाइंड आउट करना है. इतना समझा एवरीवन. यस या सो टर्म वाइज अभी फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले एक्स आई स्क्वायर कॉलम फाइंड आउट करो. सो नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा एक्स आई स्क्वायर. सो एक्स आई स्क्वायर मतलब कि ये जो 7, 11, 2 ये सारे वैल्यू है इनका स्क्वायर फाइंड आउट करो. सो 7 स्क्वायर इज 49, 11, 121, 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81, 6 स्क्वायर 36, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, and 8 स्क्वायर 64. इतना हो गया. अब तुम्हें क्या करना है एफ आई के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है एफ आई एक्स आई. सो नेक्स्ट कॉलम नाउ मल्टीप्लाई दिस एफ आई विद एक्स आई स्क्वायर. ठीक है मल्टीप्लाई करो 49 इंटू 2 98 राइट. 121 इंटू 2 242 4 इंटू 3 12 16 इंटू 1 16 81 इंटू 1 81 36 इंटू 3 108. Now 9 into 2 18 25 and 64 into 2 is 192. Is it clear? ठीक है now divided by अब इसका summation calculate करो. sum करके मुझे बताओ क्या आएगा. 792. Yes. ओके डू इट एवरीवन. जब सब लोग कर लो तब मुझे बताओ यहाँ तक होने के बाद. कितना आया. 792. सबको यही मिला. So summation of fi xi square is equal to 792.
ओके अभी नेक्स्ट टर्म क्या रिक्वायर्ड है ओके नाउ अभी तुम्हें x बार स्क्वायर फाइंड आउट करना है सो दैट मींस x बार स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले x बार फाइंड आउट करो ठीक है सो x बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल n मींस यू रिक्वायर्ड समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई सो ये कॉलम अभी फाइंड आउट करो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई सो मल्टीप्लाई दिस एफ आई एक्स आई 7 into 2, 14, 11 into 2, 22, then 6, 4, 9, 18, 6, 5, 24. Is it? Check karo values ek bar. Yes. Okay. Now, summation batana kya aayega? Add karo. 108. Okay. अब देखो सब कुछ तुमने कलेक्ट कर लिया है बस तुमको अब अरेंज करना है सो फाइंड आउट एक्स बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन सो दिस इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 18 ठीक है नाउ दिस इज इक्वल टू 6 आएगा राइट सो 6 सो देयरफॉर एक्स बार स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 ओके इतना हो गया नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइंड आउट वेरिएंस वेरिएंस इज समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस एक्स बार स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर तुमने कैलकुलेट किया है 792 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 36 अभी ये बस कैलकुलेट करो दिस इज इक्वल टू 44 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 8 समझा कैलकुलेशन कैसे करना है अब स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत इजी है मैं यहीं पे लिखती हूँ टू रूट टू स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 सो दिस इज इक्वल टू ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है नाउ दिस इज इक्वल टू समथिंग 2.8 आएगा सो सी कैलकुलेटर तुम्हें अलाउड नहीं होगा शायद तो सबको लॉग टेबल यूज करने आता है यस सो लॉग से ये इजीली हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ हाफ इनटू लॉग ऑफ 8 राइट आता है सबको कैलकुलेट करना yes. लॉग अप्लाई करते हो बोथ साइड सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8 रेस टू हाफ नाउ अभी तुम्हें लॉग प्रॉपर्टी पता है दिस इज इक्वल टू हाफ इन टू लॉग ऑफ 8 तो ये वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है लॉग 8 तुम्हें टेबल से मिल जाएगा देन उसको डिवाइड करो 2 से एंड फाइनली जो वैल्यू आएगा उसमें एंटी लॉग लगाओ एंटी लॉग ऑफ दिस तो तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा ठीक है सिंस कैलकुलेटर कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड तुम्हें कैलकुलेशन ऐसे करना है क्लियर एनी डाउट्स ओके तो क्या आप तुम ट्राई कर सकते हो आगे के क्वेश्चन I'll tell you कौन सा करना है